सुन, अगर मैं तुम्हें ब्लू चिप और पेनी स्टॉक्स के बीच में ऑप्शन दूं तो तुम कहाँ इन्वेस्ट करोगी? बहन, इन्वेस्टमेंट तो बाद की बात है, पहले ये बता कि ये स्टॉक्स होते क्या हैं? ब्लू चिप स्टॉक्स वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनीज के शेयर्स होते हैं जो एक्सपेंसिव होते हैं पर उनमें कम रिस्क होता है। ओके, और पेनी स्टॉक्स? ये छोटी कंपनीज के शेयर्स होते हैं जिनका मार्केट कैप कम होता है और 10 रुपीज और उससे कम प्राइस में ट्रेड करते हैं, पर उनमें रिटर्न्स भी ज्यादा मिल सकते हैं। तो इसमें तो रिस्क भी ज्यादा होता होगा। हाँ बिल्कुल, पेनी स्टॉक्स में लिक्विडिटी कम होती है इसलिए वॉलेटाइल भी होते हैं और उनमें रिस्क भी ज्यादा होता है। वहीं ब्लू चिप स्टॉक्स सेफ तो है पर उनमें स्टेबल रिटर्न्स मिलते हैं। तो मुझे कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए? ये तुम्हारे रिस्क टॉलरेंस और इन्वेस्टमेंट गोल्स पर डिपेंड करता है, लेकिन बिगिनर्स के लिए ब्लू चिप स्टॉक्स ही प्रेफरेबल होते हैं। अच्छा, और अगर आपको भी पेनी स्टॉक्स और ब्लू चिप स्टॉक्स के बारे में जानना है तो पिंड कमेंट में हमारा वीडियो देख सकते हैं। इन्वेस्टमेंट्स इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स। रीड ऑल रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग।